एक फिल्म थी जिसका मैं हिस्सा बनने वाली थी मैं बहुत रोई नौ महीने के प्रिपरेशंस के बाद आ, वो फिल्म मेरे हाथ से चली गई समन एल्स हैड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म और तकरीबन एक डेढ़ साल बाद जब वो फिल्म रिलीज़ हुई और फिर मैंने फिल्म जाके देखी एंड आई वाज लाइक यू नीड टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स मृणाल बिकॉज आई रियलाइज दैट दैट कैरेक्टर वॉज सो डिफिकल्ट कि शायद मैं नहीं कर पाती बट जब तक वो फिल्म रिलीज हुई नहीं तब तक आई 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 वॉज लिटिल अपसेट ऑन द फिल्म मेकर कि वाई डिड ही रिजेक्ट मी आई हेट हिम यू नो आई हेट हिम और आई हेट हर बट देन दैट्स वेन आई रियलाइज दैट दैट फिल्म मेकर वॉज राइट मे बी आई वॉज नॉट रेडी सो एंड आई डोंट थिंक एनी फिल्म मेकर वुड वॉन्ट टू वॉन्ट यू टू फेल कोच भी होता है जब yeah. तो वो उसी प्लेयर को भेजता है फील्ड पर जब उनको लगता है कि ही इज रेडी वॉट्स द पॉइंट ऑफ गोइंग ऑन द ऑन द दिस इज आई मे बी बट दिस वॉज माई इंटरप्रिटेशन एंड मे बी इन माई हेड आई वॉज लाइक थैंक यू सर फॉर नॉट कास्टिंग मी फॉर दैट पार्ट क्योंकि मैं रेडी नहीं थी उस वक्त आई वुडेंट हैव लुकड अप्रोप्रिएट फॉर द पार्ट लोग आते मुझे कहते कि ये क्या कास्टिंग है ये तो फिट ही नहीं हो रही ये तो लगी नहीं रही है जो उसको लगना है उससे अच्छा आई एम ग्लैड आई लर्न टॉट फ्रॉम दैट पार्ट आई यूज ऑल द प्रेपरेशन जो भी yeah. मैंने प्रेपरेशन वो करी थी उस वक्त आई इट हेल्प मी फॉर लव सोनिया सो हैुक अवनटीन ईयर ओल्ड बट आई वॉज एक्चुअली ट्वेंटी फोर ईयर ओल्ड 17 year old in you know love sonia ज सचोरी सो आई जस्ट वॉन्ट से थैंक यू टू दिकॉज शायद उन्होंने उस वक्त मेरे ऊपर इतनी मेहनत नहीं करी होती नाइन मंथ्स दे वर्क ऑन मी ऑन माई डायलैक्ट ऑन माई ऑन माई बॉडी एंड काफ़ी सारी चीजें मेरे वर्कशॉप्स हुआ करती थी कौन वर्कशॉप पे नौ, नौ महीने इतना इन्वेस्ट नौ, नौ, नौ महीने में तो बच्चा आ जाता है यार सो दे वर्क ऑन मी एंड आई फील लाइट्स माई फेवरेट फेल आई फील गुड अबाउट वही मैं ढूंढ रहा था क्योंकि बहुत इन आइन साइड दलवेज कनेक्ट कनेक्ट देट इज देर